यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यूपी चुनाव के नतीजे जो हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और यूपी में एक बार फिर से जो है बीजेपी का भगवा लहराने वाला है। जिस तरीके से यूपी में चुनावी प्रचार हुआ था, जिस तरीके से भाजपाइयों ने यूपी में चुनाव का प्रचार किया था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन सभी भाजपाइयों की मेहनत रंग ला रही है और यूपी में जो है वो भगवा एक बार फिर से लहरा रहा है। यूपी में भाजपा जो है काफ़ी भारी बहुमत से आगे दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूपी के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि यूपी में जो है एक बार फिर से भाजपा अपना परचम लहरा रही है। देश के चार राज्यों में जो फिर से भगवा लहराने की रीति नीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 263 सीट पर आगे सेकेंड पार्टी के रूप में 1260 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पंजाब चुनाव में दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 47 सीटों के साथ भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर है। मणिपुर में 25, भाजपा कांग्रेस 11 सीट, गोवा 18 सीट में भाजपा। वहीं पंजाब में अरविंद केजरीवाल के जोर के सामने सभी दिग्गज ढेर हो रहे हैं। यूपी में कांग्रेस और बसपा अपनी जमीन तलाश रही है। गोवा में भाजपा 17, वहीं कांग्रेस 12 सीट पर है। उत्तराखंड के 70 सीटों में रुझान आना शुरू हो गए हैं। यहां हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहेंगे कि 44 सीट पर भाजपा व कांग्रेस 22 सीट पर आगे चल रही है। वहीं पंजाब 117 सीटों में 90 सीट पर, आप पार्टी 90, कांग्रेस 17 सीट पर आगे चल रही है। यहां हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि चुनावी रुझान जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से भाजपा धीरे धीरे अपनी बढ़त दिखा रही है, उससे यह स्पष्ट तौर पर जारी है कि भाजपा जो है इस बार अपना परचम यूपी में जरूर लहराएगी। यहां पर जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है, जिस तरीके से भाजपा का प्रचार हुआ था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है उनकी मेहनत रंग ला रही है और इस नतीजे जो धीरे धीरे हमारे सामने नतीजे आ रहे हैं, उससे भाजपाइयों में काफी हर्ष का माहौल है। चारों तरफ भाजपाइयों में खुशी की लहर है, उत्साह है और भाजपाइयों का कहना है कि उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी और कांग्रेसियों को इस बार जो है फिर मैदान से उखाड़ कर फेंकने का इन्होंने विचार बना लिया है। और जो अभी ताज़ा स्थिति में हमारे पास रुझान आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। भाजपा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। 267 में भाजपा आगे है और सपा 124, बसपा 5, कांग्रेस सीट में आगे चल रही है। योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो 30,000 वोटों से गोरखपुर से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड 70 सीटों में 44 में भाजपा, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब में दलित कार्ड काम नहीं आया। गोवा में 18 सीटों पर आगे यूपी में भाजपा 269 से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 3 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। जी हाँ, एक बार हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि पंजाब में दलित कार्ड काम नहीं आया, गोवा में 18 सीट पर आगे है और यूपी में भाजपा 269 से आगे चल रही है। और स्पष्ट तौर पर यदि यहाँ पर कहा जाए तो कांग्रेस जो है वो सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। भाजपा 271 से आगे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की ओर, डबल डेकर इंजर को दी गई मान्यता है। वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है। बीजेपी 273 पर पहुंच चुकी है, वहीं सपा 121 पर है। पंजाब आम आदमी पार्टी 90, कांग्रेस 18, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 सीटों पर, जी हां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। उत्तराखंड 70 सीटों में से 46, कांग्रेस 22 सीट से आगे चल रही है। अन्य पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। यहाँ पर बताना चाहेंगे, यूपी से जो रुझान आ रहे हैं वो सीधे तौर पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि भाजपा जो है वो यूपी में भगवा लहरा रही है। आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई है। जिस तरीके से कांग्रेस के रुझान आ रहे हैं, कांग्रेसी जो है मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। यूपी में 274 भाजपा, सपा 1200, बसपा 6 और कांग्रेस फिर से महज 3 सीटों पर आगे है। गोवा में 40 और 19 भाजपा, कांग्रेस 12।
कांग्रेस 12 सीटों पर इस समय दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं, ऐसा अनुमान है, बिल्कुल अनुमान क्या है, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा जो है वो फिर से यूपी में भगवा लहराएगी। आदित्यनाथ जिस तरीके से आगे अपनी बढ़त बनाए हुए उसे देखते हुए लगता है कि एक बार फिर जो है आदित्यनाथ हैं वाराणसी में अपना परचम लहराएंगे। और सभी जो है बीजेपी में इस बात को लेकर के, बीजेपी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसे देखते हुए बिल्कुल ऐसा अनुमान है कि भाजपा जो है अपनी बढ़त बराबर शुरू से बनाए हुए, वही कांग्रेस अभी काफ़ी धीमी गति से चल रही है। आगे अगर यदि हम बाकी की बात करें तो वो भी धीरे धीरे अपनी ज़मीनी स्तर पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यूपी चुनाव के नतीजे जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि भाजपा जो है वो लगातार शुरू से यूपी में अपनी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, ये जनाधार बीजेपी का देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और राष्ट्रहित के लिए हुआ है। और जो 5 राज्य में अभी चुनाव संपन्न हुए उसमें 4 राज्यों में जहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पुनः सरकार बनी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़े, पूरे विश्व स्तर पर हिंदुस्तान का नाम हो। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा भी लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिए। योगी जी के बारे में बहुत सारी बातें विपक्ष किया करते थे, लेकिन योगी जी ने जो किया है उत्तर प्रदेश में उसका प्रतिफल ये चुनाव नतीजों से दिखता है। एक विश्वास निरंतर बना हुआ है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारी अव्यवस्था को दूर करते हुए डर और भय से मुक्त यूपी बनाने में, विकास की धारा बहाने में उन्होंने जो काम किया, आज उस पर मुहर वहाँ की जनता ने लगाई है। और जातिवाद से अलग हटकर जो ये रिजल्ट आया है वो आने वाले हिंदुस्तान की, और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें जीत प्रशस्त है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं और अब तक के जो परिणाम के रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में एक तरफा बढ़त बनाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के जो उन्होंने कानून व्यवस्था उन्होंने लागू किया, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास किया, उन नीतियों की जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और ये हम सब के लिए हर्ष की बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है कि उसका नतीजा है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और इस जीत का जश्न मनाने अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और हमारे लिए हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के भाजपा के सहप्रभारी थे, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय हम सबके नेता सुबोध पांडे जी, उनका भी अभी आगमन हो रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे और इस जीत का जश्न जोरदार उत्साह के साथ मनाएंगे। होली की खुशियाँ आज ही मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद थी। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, देश की विरोधी शक्तियाँ, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और योगी और मोदी जी को पराजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखा दिया है, देश की जनता ने सबक सिखा दिया है। और इस चुनाव में उत्तराखंड, यूपी, गोवा, मणिपुर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इन सभी राज्यों के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना कि उन्होंने राष्ट्रवाद के परचम को और बुलंद किया है और योगी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और यह सरकार पिछली बार की तुलना में इस बार और जन कल्याणकारी, जनहितकारी और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काम करके दिखाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।